हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बता रही हूँ कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस टॉपिक में डिविडेंड पॉलिसी में वॉल्टर का फार्मूला है, मोदी गिलियानी मिलर का फार्मूला है। तो उस फार्मूले में से आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डिटेल ऑफ थ्री कंपनीज, तीन कंपनी की डिटेल दे रखी है, ए बी सी है आपके पास। इनमें से जो रेट ऑफ रिटर्न है, ए की वो 15%, बी की 5% और इसकी 10% है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई जो है वो 10%, 10% और 10% है तीनों की, और अर्निंग जो है तीनों की जो अर्निंग है वो भी 88 रुपीज जो है अर्निंग है। इन तीनों का अर्निंग भी 88 रुपीज है। अब आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग वॉल्टर फार्मूला, वॉल्टर का फार्मूला यूज करना है। व्हेन पे आउट रेशियो इज 25%, 50% एंड 75%, जब आपका पे आउट ये हो। देखो यहाँ पर ये होती है रेट ऑफ रिटर्न, ये होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये होती है ये। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पे आउट इज 25%। 25% का मतलब है जब हमारा 180 है तो इसका मतलब इसका 25% क्या होगा कि आप जो है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 25 ये हो गए, आप इसको डिवाइड करते हो तो मतलब सबसे पहले आप 2 रुपए का ही डिविडेंड पे कर रहे हो। सबसे पहले पे आउट रेशियो आपका 25% है। नेक्स्ट में आपको इसका 50% निकालना पड़ेगा, तो 50% का मतलब हो गया कि आपका पे आउट जो है वो 4 रुपीज़ है, और उसके बाद आपको इसका जो है वो 75% निकालना पड़ेगा। तो इस स्टाइल से जो है ये आपका निकल करके आएगा 6 रुपीज़। तो अलग अलग टाइप का आपका पे आउट आया। सबसे पहले 25% देता है तो 2 रुपये आया, 50% देता है तो 4 रुपये आया, और 75% देता है तो उसका पे आउट जो है वो 6 रुपीज़ आएगा। अब हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको वॉल्टर के फॉर्मूले की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वॉल्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्टर का फॉर्मूला जो होता है डिविडेंड निकालने का, वो होता है डी अपॉन के। तो डी यहाँ है, पहली बार में आपके 2 रुपीज़ है, फिर 4 रुपीज़ है, और उसके बाद आपके 6 रुपीज़ जो है वो डी निकल करके आए, तो 3 डी आए हैं आपके। तो डी अपॉन के ई प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई, आर है आपकी ये है और के ई है आपकी ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी आती है वो, और ई माइनस डी, ई मीन्स होता है जो आपकी अर्निंग है और डी मीन्स जो आप डिविडेंड देते हो वो, और डिवाइडेड अगेन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वॉल्टर का फॉर्मूला है। वॉल्टर के फॉर्मूले को ध्यान से देखो, देखो वापस डी जो है वो आएगा पहली बार में, ये दोबारा निकालो के जब तीसरी बार निकालोगे तो ये आर आपको सबकी दी हुई है, अलग अलग आर आएगी, के ई जो है तीनों की एक है तो तीनों की एक ही आएगी, ई जो होती है वो 88 रुपीज़ आएगा, हर बार 8 रुपीज़ आएगा, डी पहली बार तीनों की में 2 आएगा, दोबारा तीनों की में 4 आएगा, और तीसरी बार तीनों की में 6 रुपए आएंगे। तो इस स्टाइल से हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे व्हेन पे आउट इज 25% की, जब पे आउट जो है वो 25% होता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करें, डी की जगह मैंने क्या कहा आपको 2 रुपीज़ लिखना है, 2 लिख दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कितनी है यहाँ पर, 0.10 है, 0.10% को 0.10 में कन्वर्ट कर लिया। प्लस आर अगेन आपका क्या है, 15% है, 15% का मतलब ये हो गया आपका 0.15 डिवाइडेड बाय के ई का मतलब वही हो गया 0.110, जीरो लगा लेना आगे आप लोग। उसके बाद ई था आपका 8, ई में आपके क्या आएंगे 8, और डी में आपका क्या आएगा जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 रुपीज़ अपॉन वापस के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो आपकी 10% है, को मैंने 0.10 कर दिया। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 अपॉन 10 का मतलब क्या हो गया 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ में आपको क्या प्लस करना है, 1.5 डिवाइडेड बाय पॉइंट, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1.5 आ गया। 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करना, आपको यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना, और इसको किससे डिवाइड करना है 1. इससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ये आपका निकल करके आएगा 20 + 90 = 110। ये सबसे पहली फर्म का निकल करके आया ए का, किसका निकल करके आया ए का जो है आपका, वो इस स्टाइल से निकल करके आ गया। अब ऐसे ही आपको बी का निकालना है, बी के में भी वापस यही आएगा 2 अपॉन वही 10 आएगा, जब मैं बी फर्म का निकाल रही हूँ तो 2 अपॉन 0.10 प्लस। अब इसकी देखो आर क्या है,
5% है, इसकी आर क्या है आपके पास 5% है, 5% होने की वजह से यहाँ पर आप इसको क्या लिखोगे, 0.05 डिवाइडेड बाय इसका के 10% है तो वही 1.10 से करोगे, वापस 8 माइनस वही आपको 2 लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, केवल मात्र आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये क्या था आपका 5% था इसलिए 0.5 आएगा, बाकी सब कुछ सेम है एज इट इज आएगा, वापस वही 20 में आपको प्लस करना है, जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो वो निकल करके आएगा आपका 0.5, 0.5 को मल्टीप्लाई किया 6 से और डिवाइड किया पॉइंट इससे तो ये आपका आंसर निकल करके आएगा 20 + 30, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर हो गया 50, तो दूसरे का आंसर हो गया 50 बी का। अब इसी स्टाइल से आपको सी फर्म का निकालना है, जहाँ आर 10 है, के 10% है, ई आपका ये वापस देखिए, ई आप डी आपका वही का वही रहेगा, डी सब में सेम है इसलिए 2 रहेगा अपॉन 0.10 रहेगा, प्लस यहाँ पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10 है, रेट ऑफ रिटर्न तो 10 डिवाइडेड बाय 10%, 10% डिवाइडेड बाय 10% और वापस वही 8 - 2 और डिवाइडेड बाय वही 0.10, तो वापस ये तो 20 का 20 आएगा, यहाँ पर जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से और डिवाइड करोगे 0.10 से तो ये आपका निकल के आएगा 20 + 60 = 80, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम पर जो क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब देखिए नेक्स्ट में कैसे सॉल्व करना है इसको, नेक्स्ट में अब अपने को लेना है 50% पे, तो 50% किसका निकालना आपको, 8 का, 8 का 50 मैंने क्या निकाला था 4, वापस वही फॉर्मूला है आपका d अपॉन के प्लस r के और आपको वापस e माइनस d अपॉन जो है वो के ही करना है, तो यहाँ पर d सब में 4 आएगा, 4 आपका d, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी कितनी थी वही 0.10 प्लस रेट ऑफ रिटर्न इसकी कितनी थी आपके 15%, तो 15% का हो गया ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो थी वो आपकी 10% तो 0.10, ई अर्निंग आपकी यहाँ सबकी 8 रुपए है और डिविडेंड सबने 4 ही दिया है और डिवाइडेड बाय 10 क्योंकि यहाँ के ई की वैल्यू जो है वो ये आएगी। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये तो इसमें 40 आया, 40 प्लस जब आपने इसको इससे किया तो ये आया 1.4, 1.4 को 4 से किया और इसको डिवाइड किया इससे तो ये निकल करके आएगा आपका 40 + 60 = 100 निकल करके आएगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाली में निकालना है, वापस डी की वैल्यू वही है आपके 4, ये आपका वही आएगा 0.10 प्लस यहाँ पर आपका ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये उसमें 5% ही था, 5% होने की वजह से ऐसे आएगा और बाकी सब कुछ सेम था वही 8 - 4 और नीचे भी आपका वही आएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आ गया आपका 40, ये हो गया आपका इस स्टाइल से 20, तो 40 + 20 = 60 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आती है आपकी सी फर्म, तो सी फर्म में वापस ई तो वो का वही रहेगा, डी भी वही का वही रहेगा पॉइंट, लेकिन यहाँ पर इसकी रेट ऑफ रिटर्न जो थी वो 10% थी, इस वजह से 10 / 10 8 - 4 ये E था और ये D था आपका अपॉन वापस वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये तो हो गया 40 + 1 × 4 / 10 तो 40 + 40 = हो गया आपका 80। तो ये सबसे पहले मैंने किस पे कंप्लीट किया है, आपके 2 पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि 75% था, इट मीन्स 8 का हमने क्या निकाला 75% निकाला तो मेरे 6 रुपीज़ आए थे, इसका मतलब D की वैल्यू चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सारा क्वेश्चन वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले D की जगह ये लिखूँगी मैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी यही थी 10% प्लस वापस 0.5 और वापस वही 8 में से माइनस करने हैं मुझे 6 क्योंकि अब मेरा 75% है और डिवाइडेड बाय 0.10 यहाँ पर ये आ गया आपका 60, यह आया आपका 1.52 अपॉन 10 तो ये आ जाएगा आपका 30, 60 + 30 = 90 हो गया आपके ए फर्म का। अब बी में कैसे करोगे, ये तो वही रहेगा 6 अपॉन 10 का 10 ही रहेगा,
प्लस यहाँ पर उसकी रेट क्या थी आपकी 5% थी, तो 0.5% डिवाइडेड बाय 0.10, 8 की जगह 8 माइनस 6 वो का वही रहेगा और नीचे भी सेम की सेम है इसलिए वही रहेगी। तो 6/10, 6/10 को 60 में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर हो गया 0.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन दिस, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यानी कि 60+10 इज इक्वल टू 70, 60+10 इज इक्वल टू 70 हो गया। अब आप देख लीजिए लास्ट में बचा है आपका सी, तो सी के लिए किस स्टाइल से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। वापस वही आपकी डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू जो है वही 6 रुपीज़ रहेगी, 0.10 का 10 रहेगा, यहाँ पर प्लस आर रेट ऑफ रिटर्न जो था उसका, आपके रेट ऑफ रिटर्न जो था इस लास्ट वाली का वो आपके 10% था, तो 0.10 रहेगा डिवाइडेड बाय 0.10 रहेगा और 8 में से -6 हो जाएगा और अपॉन 0.10 रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके 60+20 इज इक्वल टू 80 आंसर आएगा। तो इस स्टाइल से हम डिविडेंड फार्मूले की हेल्प से जो है वो आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है से आपको जो है वो वॉल्टर के फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका ये वाला कि आपके पास एक कंपनी है और कंपनी का जो आपके ईपीएस है वो इस स्टाइल से है, कंपनी का ईपीएस जो है वो आपके 10 रुपीज़ है और इसकी रेट भी जो है वो आपके 10 है और कंपनी को जो है वो कैलकुलेट करना है 50% और 70% और 100%, जबकि इसकी रेट ऑफ रिटर्न हो 10 और 8 और ये हो। अगेन डिविडेंड पॉलिसी से ही एक और क्वेश्चन है कि एक कंपनी का जो ईपीएस है वो 10 रुपीज़ है, आपको कैपिटलाइजेशन की रेट 10% दे रखी है एंड कंपनी हैज़ ऑप्शन ऑफ अडॉप्टिंग पे आउट रेशियो 50, 75% एंड 100% यूजिंग वॉल्टर फार्मूला, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, द रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, 10% और 8%। इसका मतलब आर आपके यहाँ आपको अलग अलग दी हुई है, फर्स्ट आर, सेकेंड आर एंड थर्ड आर एंड के जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो आपकी 10% है। पे आउट रेशियो आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे, तो सबसे पहले पे आउट देखिए कि 50% होता है, 50% का मतलब आपकी ईपीएस 10 है और इस 10 का आप 50% पार्ट दे देते हो, इट मीन्स आप सबसे पहले 5 रुपीज़ दे रहे हो, उसके बाद आपका 10 रुपीज़ अर्निंग है, आप क्या पे कर रहे हो 75% कर रहे हो, इसका मतलब आप 7.5 दे रहे हो और लास्ट में आप 100% दे रहे हो, इट मीन्स आप 10 रुपये का 10 रुपये दे रहे हो। ये बात सबसे ज़्यादा समझने की है। देखो पे आउट रेशियो जितना भी होता है एटलीस्ट हमें उस ईपीएस के हिसाब से पे आउट रेशियो निकाल लेना चाहिए, 50%, 75%, 100%, ईपीएस अपना 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ ईपीएस है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डी को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंपनी डिविडेंड एटलीस्ट कितना दे रही है। 50% पे कंपनी 5 रुपये देगी, 75% पे कंपनी 7 रुपये 50 पैसे देगी और अगर 100% पे आउट है इसमें कंपनी पूरे 10 रुपीज़ के 10 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ये बात तो ये लाइन समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न आपकी अलग अलग है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ जो है इंटरनल इन्वेस्टमेंट की वो अलग है, इट मीन्स यहाँ पर आपकी आर अलग अलग दी हुई है, तीन बार आप तीनों आर आर अलग अलग, बस आपकी के ई सेम है, के ई एवरी टाइम आपकी 10% रहेगी। अब आपको वॉल्टर का फॉर्मूला यूज करना है, तो वापस वही आपका वॉल्टर का फॉर्मूला है, डी अपॉन के ई प्लस आर डिवाइडेड के ई और ई माइनस डी अपॉन जो है वो के ई, ये आपका वॉल्टर का फॉर्मूला है। इस वॉल्टर के फॉर्मूले को ही आपको यूज में लेना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लियर कह रखा है। अब डी क्या हुआ, डी है अपना सबसे पहले जब क्या था आपका पे आउट रेशियो जब 50 ये था 50%, तो यहाँ पर आपका डी हो गया 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ को जब मैं डिवाइडेड करूँगी किससे 0.10 से, उसके बाद प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितनी है आपकी 15%, रेट ऑफ रिटर्न देखिए सबसे पहले 15% है, तो सबसे पहले आर क्या आएगा 0.15, कॉस्ट ऑफ कैपिटल
10%, अर्निंग आपकी कितनी थी 10 रुपीज़, दे कितना रहे हो आप 5 रुपीज़, तो वापस वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 50 रुपीज़ आ गए, यहाँ पर आपका क्या आया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 0.10 यानी कि 7.5 डिवाइडेड बाय 10, इट मींस क्या हो गया 50 प्लस 75 यानी कि 125 रुपीज़ फर्स्ट टाइम पर उसकी वैल्यू आ गई। दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार आपको, अच्छा आपको क्या करना है कि 50 के लिए ही निकालनी है अभी 15%, 50 पर आपको यही निकालनी है। अब आपको 50 पर 10% निकालना है, फिर आपको 50 पर 8% निकालना है। तो सबसे पहले 50 पर मैंने क्या निकाला था, जब 15% मेरी आर थी, अब आर क्या है मेरी 10% है, बस आर चेंज होगा। देखो इस क्वेश्चन में जो ये आर था ना, एटलीस्ट बस वही वैल्यू चेंज होगी, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। तो वही 5 अपॉन 10 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो गया मेरा 10% है तो 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10, वापस वो का वही रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, और अपॉन 10। तो 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 10, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 हो गया, सेकेंड टाइम में 100 आंसर आ गया मेरा। अब वापस मुझे किस पर निकालनी है, 8% पर निकालनी है, 8% पर निकालना है 50 का ही आंसर। तो 50 है इसका मतलब ये तो वो का वही रहेगा, बस मेरी रेट ऑफ रिटर्न यहाँ चेंज हो जाएगी, जीरो ये हो जाएगी, 8% है इसलिए इसको जब मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूंगी तो ये आएगा 0.10, वापस वही 10 माइनस 5 अपॉन वापस कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी ये की रहेगी। तो ये तो हो गया मेरा 50, और जब मैं यहाँ 0.8 को 5, अब आपको निकालना है 75% से कि जब पे आउट रेशियो आपका क्या हो 75% हो। 75% का मतलब कि जब आपकी अर्निंग 10 है और आप 75% दे रहे हो, इट मीन्स आप 7 रुपीज़ 5 पैसा जो है एज ए डिविडेंड के आप पे कर रहे हो। तो आप इसको निकालने के लिए वापस वही वॉल्टर का फॉर्मूला लिखोगे, वही डी डी यहाँ पर अपना क्या आएगा 7.5 आएगा, और वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी वही है, प्लस आर अपना कितना था इसमें, सबसे पहले वाली में आर 15% था फर्स्ट कंडीशन में, तो आप 15 लिखोगे डिवाइडेड बाय वही 10, उसके बाद 10 में से माइनस करोगे 7.5, 7.5 को आप माइनस करने के बाद आप निकालोगे 0.10। तो यहाँ पर अब मेरा 7.5 पे 15% पे निकल रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने किस पे निकाला था, इस पे निकाला था, तो अब 15 पे निकालना है मुझे, फिर 10 पे निकालना और फिर 8 पे निकालना है। तो पहला 15 से जमा दो, आप वापस देखो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, 7.5 100 प्लस, यहाँ पर अगर मेरा क्या था 10% था, 10% था, तो ये चीज आएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वही और वही ऐसा का ऐसा। और तीसरी बार में वापस वही 7.5 100 प्लस, यहाँ पर मेरी जो है आर चेंज हो गई, कितनी थी आर 8% थी, तो वो मेरा 8% पर निकल करके आएगा कि 0.08 डिवाइडेड बाय 10 और 10 माइनस 7.5 बस और अपॉन 100। तो हमें इन सबको सॉल्व करना है, 75% पर 15% की रेट है, 10% की रेट है और 8% की रेट है, 15 10 और 8 इन तीनों की रेट पर मुझे अलग अलग निकालना है और अलग अलग निकल करके आएगा। तो सबसे पहला जो ये निकल करके आएगा वो आएगा मेरे 75, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आएगा आपके 37.5। तो यहाँ पर हम 75 प्लस 37.5 को ऐड करेंगे तो आपका ये 112 पॉइंट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करा तो ये हो गया आपका 75 का, 75 निकल के आएगा। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से और डिवाइड किया इससे, तो ये 25 निकल करके आएगा, तो इसका आंसर आपका 100 आएगा। यहाँ पर जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये तो 75 आएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो 0.8, और 0.8 को जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, डिवाइड करोगे 0.10 से,
तो ये आपका 20 निकल करके आएगा, तो आप इसमें ऐड कर दोगे तो 95, तो इस स्टाइल से हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर जब वो 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, नेक्स्ट वो कह रहा है कि 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इट मीन्स अर्निंग आपकी 10 रुपीज़ है और आपने 10 का 10 ही पे आउट है आपका, तो कुछ नहीं करना, बस डी की जगह आपका 10 10 हो जाएगा और कहीं कुछ भी चेंज नहीं होगा पूरे क्वेश्चन में, वापस वही 10 लिखा, 0.10, पर यहाँ पर अब क्या है देखो, ये चेंज होगा 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10, लेकिन जब हम 10 में से माइनस 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 0। 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10, तीनों जगह यहाँ आपको 10 में से 10 करना है, यहाँ भी आपको 10 में से 10 करना है। 10 में से 10, 10 में से 10 का मतलब 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, इससे मल्टीप्लाई किया 0, 0, 0, तो यहाँ पर आंसर हर वक्त यही आएगा, 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। तीसरी दूसरी बार में भी यही आएगा 100 प्लस, और तीसरी बार में भी आपका आंसर यही आएगा, तो तीनों टाइम से आएगा। तो ये है आपका डिविडेंड का फॉर्मूला और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर